मेरे ख्याल से जितने भी लोग बैठे हैं यहां पे अभी यार, किसी कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका बचत खाता नहीं है, है सबका खाता है कि नहीं है? तुम्हारा भी दादा है, खाता होना जरूरी है। वो किस प्रकार का खाता होगा वो हमारी हैसियत के ऊपर है। हम छोटा छोटा काम करते हैं, हमारा छोटा बचत खाता हो सकता है। हम थोड़ा बड़ा काम कर सकते हैं, पैन कार्ड वगैरह एफोर्ड कर सकते हैं तो हम लोग बड़ा खाता खोल सकते हैं। व्यवसाय करते हैं, कोई दुकान लगा रखी है, हम करंट खाता खोल सकते हैं। हमारे पास ज्यादा पैसा धन हो गया है, हम मियादी जमा कर सकते हैं, ज्यादा ब्याज मिलता है। उस मियादी जमा को बिना तोड़े उसके ऊपर पैसा ले सकते हैं। बैंक का लोन हो गया, कम 2% ब्याज पे काम हो जाता है। तो ये कई प्रकार की सुविधाएं बैंकों में उपलब्ध हैं जो हमें निश्चित। अब देखिए, यदि बेटमा में काम नहीं होता तो हम ही हैं सबसे पहले। हमारे बहुत बाद में स्टेट बैंक आई, हम तो वर्षों से यहां पे। उसके बाद स्टेट बैंक आई, उसके बाद ग्रामीण बैंक आई, और धड़ से पिछले 2-3 साल में ये 2-3 आईडीबीआई भी आ गया, कैनरा भी आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, एक और कोई आया ना? अच्छा, एक और का लाइसेंस है अभी। मतलब आप सोच लो, इससे अंदाजा लगाओ कि जहां एक थी, एक की तीन, तीन की छह हो रही है। तो लोगों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद भी देखिए, मेरी ब्रांच के सामने 2 कियोस्क भी हैं, वो छोटे छोटे ऑपरेशन करने के लिए। 10,000 रुपये तक का लेन देन बेखौफ वहां करिए। जागरूकता के जो मामले में मैं एक एक चीज करके बताऊंगा आपको। बचत खाता होना चाहिए, बता दिया मैंने आपको। जनधन खाते खोले गए थे, क्यों खोले गए थे? कि हर व्यक्ति बैंक में नहीं पहुंच सकता था, हमने जा जाके खाते खोले। फिर हम बोलते हैं कि साहब आपने कार्ड लिया कि नहीं लिया? इलिटरेट आदमी अंगूठा टेक भी कार्ड तो ले ही सकता है। चार अक्षर हैं, चार अक्षर तो कोई भी आदमी दिमाग को याद रख सकता है। तो वो याद रखकर अपना कार्ड, कई लोग ले तो महिला ले लेती है, उनके बच्चे काम करते हैं, मगर उसमें ध्यान रखने का कि कोई अपने साथ में चीटिंग न कर ले। तो चार अंक आते हैं, लोग काम करते हैं। उस सिर्फ बचत खाता होने मात्र से कई बैंकों के अंदर, मेरे यहां जी आपने थोड़ा बड़ा खाता खोला बचत के अंदर भी, तो बचत खातों के अंदर सिर्फ खाता खोलने मात्र से 50,000 का एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री मिलता है उसके अंदर, ऑटोमेटिक है, कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ खाते में देन लेन करना जरूरी है। खाता लेकर आइडल पड़ा रखना कोई मतलब नहीं। खाता खोलना हमारा दायित्व था, हम जीरो पे खाता खोलेंगे, खोल देंगे, मगर डाल निकाल तो आपको करना है। यदि नहीं करेंगे तो उसमें जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं वो लाभ प्राप्त नहीं होना अपने को। जैसे कि 50,000 का बीमा इनबिल्ट हो गया, आपने रुपए कार्ड ले लिया। रुपए कार्ड देखा आप लोगों ने? कौन कौन एटीएम कार्ड वापरता है यहां पे? है तुम्हारी जेब में? देखो किसका है, कौन सी कंपनी का हो, उसमें नो कोने में निशान होगा ना। अरे बैंक तो आईडीबीआई होगी, बैंक कोई भी हो सकती है, नीचे कंपनी कौन सी कोने पे? ये इसके हाथ में बैंक का कौन सा है? ये मास्टर है, ये रुपए कार्ड है, वो रुपए कार्ड है, तुम्हारा भी रुपए कार्ड है। अब आप सोचो, ये रुपए कार्ड बराबर वापरते हो आप लोग? पैसा निकालना हो तो भी वापरिए, नहीं निकालना हो तो भी वापर लिए, बैलेंस चेक करने के लिए वो भी वापरा माना जाता है। 45 दिन में एक बार ट्रांजेक्शन किया, 1,00,000 रुपए का फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। मालूम है आप लोगों को? है किसको मालूम है? नहीं है, इसको मालूम है। सिर्फ इस कार्ड को वापरने मात्र से 1,00,000 रुपए का फ्री इंश्योरेंस कौन दे रहा है आज की तारीख में? तो आप सोचो कि फायदा नंबर एक, बचत खाता खोला आपने, जीरो पे खुल गया, बाद में देन लेन तो करना ही है, नहीं करेंगे तो फायदा नहीं मिलना है। 50,000 का इनबिल्ट बीमा उसके अंदर है, रुपए कार्ड ले लिया, रुपए कार्ड का वापर चालू कर दिया, 1,00,000 का फ्री इंश्योरेंस है। फिर आप देखो कि जब आगे बढ़े, आप लेन देन चालू किया, सब कुछ किया, सरकार ने नई चीज एंटर करी, 12 रुपए का बीमा। कितने लोगों का 12 रुपए का बीमा है? 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु तक के लोगों का बीमा हो सकता है। कितने लोगों का? 18 वर्ष से ऊपर, 70 से अंदर तक के बंदे का बीमा हो सकता है। कितने लोगों ने 12 रुपए का बीमा करा रखा है यहां पर बताइए मेरे को आपने? 1, 2, 3, 4, अब ये सोच लो तुम, जो 5, 6, धीरे धीरे क्यों उठे रहे हो तुम यार? सुरक्षा बीमा का नाम लियो नहीं, 12 रुपया कट रहा होगा पासबुक में। विकी कोई वह बीमा पॉलिसी वाली से नहीं मिले, उनमें एक ध्यान रखना है, एंट्री करानी है कि आज की तारीख 14 सितंबर को मेरे 12 रुपए कटे, अगले साल 14 सितंबर को कट जाना चाहिए। अगले साल 14 सितंबर को नहीं कटेंगे क्योंकि ये पॉलिसी 1 जून से 31 मई होती है, तो अगले साल में जो पैसा कटेगा, आपने आज बीमा कराया मान लो, तो अगले साल मई महीने में पैसा कटेगा, और हर वर्ष मई महीने में ही 12 रुपए कटेंगे। इसलिए घबराना मत, लोग 12 रुपए बस दौड़ गया, 12 रुपए काट लिया, बैंक वाला ने
कहीं करियो कहीं मानो कहीं कर लियो। ऐसी शिकायतें हैं मेरे पास में कि पूरा जिला देखता हूं, हर व्यक्ति का मानस हम नहीं पढ़ सकते। तो आप ये देखिए कि 12 रुपये से जो बीमा है 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। आप कभी वह सोचिए कि मैंने बीमा कराया तो मेरे हाथ पांव टूट जाए, मैं ट्रक के नीचे आके मर जाऊं, नो, कभी नहीं। ये हमारी सुरक्षा है, कल को खुदा ना खास्ता। अब वो आज का पेपर में एड है कि वो एक आदमी जा रहा था, भीड़ ज्यादा थी, गाड़ी का इंबैलेंस हुआ, गिरा, एक इधर गिरा, एक इधर गिरा, इधर गिरा, उसके ऊपर गाड़ी ने पहिया फेर दिया, वो तत्काल मर गया। ये तो किसी को मालूम नहीं था, वो तो मजे मजे में अपने घर जा रहा था। अच्छा, मगर बेचारे उसके जो बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, वो तो बिल्कुल हाथ धर दिए, क्योंकि मान लो मजदूरी करता हो, कहीं छोटी मोटी नौकरी भी कर रहा हो, तो उसका तो सारा खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में तत्काल सारी प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस का मतलब यदि कभी ऐसी दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे ऐसा, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसकी पुलिस की FIR और एक आवेदन उसी बैंक शाखा में कि साहब ये बीमा किया गया था, ये बीमे का है, इसका क्लेम गई। सही सही काम करने पर, मैं भी कह रहा हूं हमारे बैंक वालों को सही काम करना चाहिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती, वहां पर भी कभी कभी आदमी जा भी नहीं आए, टाइम नहीं, बाद में करेंगे, हो सकता है ऐसा। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करके ये ध्यान रखना कि हमारा क्लेम आगे चला जाए। तो 30 दिन के अंदर वो जो बंदा एक्सपायर हो गया है या उसके हाथ पांव टूट गए, उसके खाते में या उसकी पत्नी के खाते में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। अंग भंग हो जाए तो 1 लाख रुपए उसके खुद के खाते में, आधा पैसा मिलता है उसके अंदर। मकसद ये नहीं है कि हमारा कुछ बिगड़े, मगर हमारी सुरक्षा हमारे पास होना चाहिए। उसके ऊपर चले साहब सरकार ने कहा, बोला यार ये तो मरने पे ही, दुर्घटना में मरने पे ही 12 रुपए का बीमा है, तो बोले थोड़ा अच्छा बीमा करो। सामान्य मृत्यु होगी, हमारे वो भी शिकायत आती है कि साहब वो हमारे फलाने संजी मर गए, वो बैंक वाले ने बीमा ही दिया। अरे बीमो तो बैंक वाले थोड़े दे, बैंक वाले बीमो कर रहे हो, तुम्हारो फायदा कर रहे हो, बीमो बीमो कंपनी दे, और मृत्यु दुर्घटना में होना चाहिए तब तो पैसे मिलेंगे। अब घर में खटिया में मर गया थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए बीमा किया जीवन ज्योति बीमा, उसका सालाना प्रीमियम 330 रुपया है। आप जब से वो करेंगे 330 रुपया साल, तो 12 रुपये ये और 330 ये, 342 रुपये साल, मतलब एक साल में एक दिन का 1 रुपया से कम, क्या हम ये खर्चा नहीं कर सकते हमारे ऊपर? 330 का बीमा 18 से 50 वर्ष का है, 50 वर्ष से अंदर की आयु तक का ही बंदा कर सकता है। ये कुछ चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। ये मत सोचिए कि हमारा कोई बिगड़े, भगवान करे आप तंदुरुस्त हो, मजे में रहो, 100 साल जियो, कभी मत सोचो को मिले। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमको विभिन्न रूप से बताना जरूरी है। भैया बचत खातों के साथ जुड़ी हुई है एक और चीज जुड़ी हुई बचत खाते के साथ में, अन्य बैंकों का मालूम नहीं, मेरी बैंक में जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य बीमा। नाम सुना होगा, कई लोगों का होगा भी, कई लोगों ने कराया भी होगा। सिर्फ बचत खाता बैंक ऑफ इंडिया होने के साथ में वो स्वास्थ्य बीमा जो बाजार में 6000 रुपये मिलता है, वो मेरे यहां 1819 रुपये मिलता है, सिर्फ खाता नंबर होने की वजह से। और उसमें आप, आपकी पत्नी और 2 बच्चे, 3 माह से ऊपर, 21 साल से अंदर के 2 बच्चों का, मतलब 4 लोगों का बीमा एक ही प्रीमियम के अंदर होता है। उसमें यह है कि कभी खुदा न खास्ता बीमार हो गए, कुछ बड़ी बीमारी हो गई, कुछ भर्ती हो गए, तो अपने को पैसा मिल जाता है। मैं फिर कहता हूं कि वो भी भगवान मंदिर में दान जैसा समझिए, कभी भगवान हमको बीमार ना करे। बीमार होने ने वो पतली दाल खिचड़ी खाने की जरूरत है, बढ़िया मजे में खाओ तेज मिर्ची की सब्जी और बढ़िया रोटी, मेरे को वही पसंद है, मैं कभी नहीं सोचता कि ऐसा होना चाहिए। मगर ये सारी व्यवस्थाएं कर रखी, उसके बाद उनको लगा कि साहब ये तो काम हो गया, बीमा हो गया, अब क्या करना चाहिए, कुछ और सुविधा देना चाहिए, आदमी वृद्ध हो जाएगा क्या मिलेगा। तो उन्होंने अटल पेंशन चालू करी, अटल पेंशन 18 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से अंदर, बहुत छोटा छोटा पैसा। उसमें यह है कि आप क्या लेना चाहते हैं 60 साल के बाद, पेंशन योजना है, अटल पेंशन, मतलब हर व्यक्ति को पेंशन मिल सकती है, चाहे वो नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है, घर में बैठा है, पेंशन मिलेगी। यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यार 60 साल के बाद मेरे को एक नियमित आय तो होए कम से कम। 18 साल का बंदा यदि 60 साल के बाद चाहे कि मेरे को 5000 रुपये महीना मिलना चाहिए, तो 18 वर्ष वाले बंदे को मात्र 242 रुपया साल भर हर महीने का जमा करना पड़ता है। कितना? 242 रुपये मात्र साल भर। वो पूरा जमा भी करता, मान लो वहां तक गिनने के हमने साहब 20 साल जमा किया, तो वो करीब 2.3 लाख से कहीं ऊपर जाके जमा होता है। उसका एडवांटेज सुनिए, 60 साल के बाद तो आपको 5000 की पेंशन मिलना है,
खुदा ने खास चलो आप नहीं रहे तो अगले महीने से ही आपकी पत्नी को 5000 की पेंशन मिल जाएगी, पैसे नहीं भरना उसको। और कभी खुदा ने खास दो ही नहीं रहे तो जो आपके वारिस हैं उनको लमसम 8.5 लाख रुपया, जो 5000 पाने वाला है 8.5 लाख रुपया सरकार दे देगी उसको। तो ये इस प्रकार के फायदे दिए हुए हैं। ब्रांच में जाओगे समय नहीं बंदे को बात करने का, इसीलिए जो कैंप जमा करता विकास जागरूकता कार्यशाला रखी जाती है ये बताने के लिए। और हम जो उम्मीद करते हैं, मैडम ने बोला 25 को दें, बहुत बढ़िया थी 25 करते हैं, मेरा तो आपसे और कम निवेदन है कि आप 10-10 लोगों को बताएं कि जो खाते हैं इनसे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और जो हमको काम करना है वो करना है। सर बीच में कुछ बोल रहे थे कि ऋण आवश्यकता होने पर लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बहुत मिल रहा है। ऋण लेकर घी पीने का कौन सा सिद्धांत है, कोई मतलब ही नहीं। अपनी जरूरत होती ले लो, नहीं ले लो, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा नहीं। और डिफॉल्टर हो गया तो पूरी तीन पीढ़ी की सिविल रिपोर्ट खराब, जन्मपत्री खराब हो जाएगी। तीन पीढ़ी तक आपको बच्चे कभी मान लो पढ़चे पढ़ लिए, उनका एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ा, गए पिताजी का सिविल रिपोर्ट देखा, अरे बोले साहब ये तो बैंक के डिफॉल्टर है, इनको लोन नहीं मिलेगा, बच्चे को लोन नहीं मिलेगा। तो बच्चा अपना जो बढ़िया कुशाग्र बच्चा है, अच्छा पढ़ सकता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वो बिना शिक्षा के रह जाएगा क्योंकि पैसा नहीं आपके पास। तो ये कई जागरूकता है जो हमें करना चाहिए। फालतू पैसा जेब में रखने, वो जो ऊपर पुराने घरों में ऊपर टान में खोज दिए, कहीं छुपा दिए, मिट्टी में गाड़ दिए, खराब हो जाते हैं, याद नहीं रहे, भूल गए, चूहे खा गए, कुछ हो गया। बैंक का खाता इसलिए आपके लिए है, बैंक का खाता आओ जमा करो। ये कियोस खुले हुए हैं, 24/7 खुले हुए हैं, दो है अभी, हमने बोला है कि आप 400 कियोस और खोल दो, मगर उसमें आप जैसे यंग बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं पढ़े हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लैपटॉप चला सके, उसको हैंड होल्डिंग डिवाइस मिलेगी, उसमें नंबर ऐड कर सके, खाता डाल सके, भैया उसको भी बैंक जैसा काम करना है। वो हमारा प्रतिनिधि है, बैंक ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, IDBI को रिप्रेजेंट करेगा। जब वो रिप्रेजेंट करेगा तो बैंक के बिहाफ पे काम कर रहा है, उसका एजेंट है, तो उसको तो पूर्ण ईमानदारी से काम करना है। वो आवेदन करें, कियोस्क खुलवा देंगे, हमको तो गांव गांव में कियोस्क खुलवाना है, हर 5 किलोमीटर पे एक कियोस्क होना चाहिए। अभी सरकार ने एक योजना चालू कर दी है, 7 तारीख को ये जो हमारा BC कियोस्क है, जो अशक्त बंदा है, वृद्ध बंदा है, जो सरकार से 300 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन पाता है, वो उनको घर घर जाके देगा। 7 तारीख को गया था, उसने फोटो लोड किया, बोले साहब जितने नाम थे उनको देकर आया हूं मैं, मगर वो कम लोग थे, एरिया बहुत बड़ा है। तो हमने इसको बोला है कि आप 7, 8, 9 तारीख तक जा जाके बांट के आइए। वो गया बंदा बांटा, धीरे धीरे चीजें बढ़ेगी, मतलब आप सोचिए कि सुविधाएं घर तक आ रही हैं। और देखो भैया, जब भी आप जमा करें या पैसा निकालें, कोशिश करें कि अपनी किताब में एंट्री हो जाए। जमा करें, कभी कभी पासबुक इंटरनेट खराब है, आदमी नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों की है, हमारे पास में मैन पावर यानी आदमी की कमी, भर्ती नहीं है, भर्ती करने का पावर नहीं है, आदमी बढ़ाने का पावर नहीं है, काम दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, हर महीने एक नया काम बढ़ता है हमारे पास में, हमको तो काम करना ही है, कर ही रहे हैं, कर भी रहे हैं, करते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में रसीद लेना जरूरी है, पैसा जमा किया आपके हाथ में सील ठप्पे लगी हुई रसीद होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए अपने को, यार मैंने 40,000 रुपये जमा करे हैं। दो पर्ची मिलती है, एक बड़ी पर्ची बैंक के अंदर की, छोटा काउंटर लेकर रख लो, साहब एंट्री हो रही है क्या, बोले साहब आज एंट्री नहीं होगी क्योंकि पासबुक प्रिंटर खराब है, आदमी काम करने वाला नहीं है, रसीद तो है ना आपके पास में, ये होना चाहिए। एक दूसरी सबसे बड़ी बात, ये मैंने आपको बचत खातों के बारे में बता दिया, जो सब आपके फायदे में। अब इन सब चीजों से जुड़ी हुई एक चीज है, जो कार्ड है, आज अखबार किसने पढ़ा, अखबार कौन कौन पढ़े, मैं बाचो कोई भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, एक पेपर पेज के ऊपर कोने कोने ऊपर जगह है, बैंक मैनेजर बनकर 25 लाख की धोखाधड़ी करी, यार हम मतलब वाकई हम लोग मर गए बोलते बोलते, थक गए बोलते बोलते, जिंदगी में कभी भी कोई भी बैंक का कोई भी अधिकारी किसी भी बंदे को टेलीफोन नहीं करता है, ये काला निशान मार दीजिए उसके, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड बना दीजिए, कभी जिंदगी में कोई भी शाखा प्रबंधक, वो तो कहेगा जनरल मैनेजर बन जाएगा, वो चोट्टा है जो टेलीफोन कर रहा हो, आपको बढ़िया गाली आती है तो उसको गाली दे दो, अगले क्षण उसका टेलीफोन बंद हो जाएगा, घबराओ मत,
मैं कह रहा हूं आपको, गाली बक दो उसको आप। अभी पिछले हफ्ते शायद आप ही के कैंप की बात है, वो एक लेडी, मैं मान सकता हूं कि ये पढ़ी हो सकती है, नहीं भी पढ़ी हो सकती है, बोले मुंह बताऊं कहीं हो कि मार करने पर टेलीफोन आया। तो मोबाइल तो सब रखते हैं आजकल, पढ़े लिखे ना हो, मोबाइल सबके पास है, उनको लगाना आना चाहिए, हिंदी में लिखवा लेंगे, यो मारा छोरा कौन, यो मारा बहू कौन, यो नंबर है, वो नंबर लगे ले, सुनी ले। उसको मैसेज आया तो उसने मैसेज नहीं उठाया, देखा मैसेज तो नहीं देखा उसने, फोन आ गया कि मैं फलानी बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं, तुमको 50,000 रुपए का लॉटरी निकला है। तो भाई थोड़ी तेज थी डोकरी माँ थी, मैं 55 साल की रही होगी हो। मैं इसलिए बता रहा हूं ये उम्र और ये बता रहा हूं जागरूकता कैसे होती है। तो आपका 50,000 का निकला है, आप अपना पासबुक का नंबर दे दो, आपका कार्ड होगा, कार्ड के 4 अंक बता दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। तो उस लेडी ने अपने शब्द में बोला कि थारे खुजाल हुए तुम्हारे घर में पैसे दे जा, और उसने टेलीफोन काट दिया। मतलब आप मेरा मकसद, ये सीधी भाषा में बात करने का हमारा मकसद यही है कि लोगों की भाषा में हम लोग बात करें और समझाएं, सीधी पिन पॉइंट में आना चाहिए। वो उसके समझ में आ गई, वो बंद कर दिया, उसके बाप की ताकत नहीं फिर टेलीफोन करे। इसलिए हम बोल रहे हैं आपको कि कभी जिंदगी में कोई भी बैंकर किसी भी लेवल का, प्यून से लेकर जनरल मैनेजर तक ले, कभी कोई टेलीफोन नहीं करता है। हाँ, डिफॉल्टर को पैसा मांगने टेलीफोन करते हैं हम लोग कि भैया बहुत दिनों को पैसे जमा करने नहीं आ, 3 किस्त बाकी तेरी, वो टेलीफोन करते हैं। मगर कोई आपका पासवर्ड नहीं मांग सकता, कोई आपकी जन्म तारीख नहीं पूछ सकता, कोई आपका आधार का नंबर नहीं पूछ सकता। कभी जिंदगी में मत देना, और कभी शंका हो जाए बंद करो, अपनी बैंक सामने है, जब भी जाए कर ले साहब ऐसा टेलीफोन आया था, मन की खातिर कर ले, डायरी देते हैं, कभी मत देना भैया। और यही चीज बताने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब मिलकर 20-25 लोग 10-10 लोगों को बताएं तो हमारा काम सार्थक हो जाएगा कि 200 लोगों को भी बात पहुंच जाएगी। बैंकों में पारदर्शिता ज्यादा है, माइक्रो फाइनेंस छोटे फाइनेंस वाले बहुत लोग घूमते हैं, उनका उनसे यदि आपने लोन लिया है माइक्रो फाइनेंस से, उसका ब्याज दर 18 से 30% तक का होता है। सरकारी बैंकों के अंदर 10-11% ब्याज भी लग रहा होगा तो सरकार उसमें से 5% ब्याज मुजरा करती है, तो मात्र 7% पे ब्याज मिलता है, पैसा मिलता है, वहां मिलता है 18 से 30% पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो मकसद ये है कि अच्छे काम करने के लिए हमको कहीं पूछने जाने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपना विकास करें। महिलाएं बहुत अच्छा काम करती हैं। अब बताइए 600 रुपये जमा में मान लो कि 10 है, 60-60 हर व्यक्ति भी जमा करता हो तो साल भर में दादा 720 रुपये जमा होते हैं उसके, 10 महिलाएं तो 7,200 रुपये जमा होता है, थोड़ा बहुत बैंक का ब्याज मिल जाता है, फिर यदि आपस में देन लेन किया हो इन लोगों ने तो उसका ब्याज मिल जाता है इनको, और वो जो पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे को देखते हुए बैंक आगे से कहेगी कि ले हमसे और पैसा ले जा, हमको थोड़ा सा समझा दो, हम जनपद पंचायत से 15,000 का रिवॉल्विंग फंड दिलवा दें आपको, वो फ्री है गवर्नमेंट, उसको वापस नहीं करना, वो आपके फंड को बढ़ाता है, 7,000 साल के 15,000 वो आगे 22,000 का देन लेन चालू कर दिया, उसका प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है। तो कई सुख सुविधाएं हैं, आप लोगों को आगे आना, अपना सुख स्वयं को देखना है। अपन सड़क पे चल रहे हैं, साइड से क्यों चलते हो आप, कोई हमको टक्कर न मार जाए, कोई हमसे भिड़ न जाए, तो खुद स्वयं की सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। वैसे ही पैसा बचाना स्वयं के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए हमको मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए, और हम अपना फायदा स्वयं देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको जितनी भी बातें बताई, बचत खाते से लेकर बीमे से लेकर अटल पेंशन से लेकर स्वयं सहायता समूह के गुणगान किए मैंने, उसके अंदर क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं बता दिया।